दोस्तों आई एन डीडमी में आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के माध्यम से संभावित सार संग्रह के पार्ट को 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 कवर कवर कराया जा रहा है है इससे पहले दो कवर करा दिया गया है। अगर उन वीडियो नहीं देखा है तो मैंने टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज लिया है दो वीडियो को कवर कराया है और उसके बाद अभी तीसरा वीडियो सब्जेक्ट वाइज में लेकर आ रहा हूँ चलिए फुल लाइन टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है और कंटिन्यू हो रही है आठ टेस्ट कंडक्ट करा चुके हैं तो अभी भी समय है आप लोगों के पास क्योंकि अभी अंतिम समय है तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं भारतीय और संस्कृति को लेते हुए <laughs> सॉरी स्थल से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं बलूचिस्तान के मेहर गणधामक स्थान से दूसरा है कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है मेरठ के हिंडन नदी के किनारे तीसरा अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन भारत की किस पुस्तक में सुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई मालविकाहानी मित्रम अग्निमित्र उनका नाम है कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया <coughs> बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा कर दी थी। तो उन्नीस में जब खानवा का युद्ध किया था तो यहां इनकी सेना इतनी डर गई थी कि इन्हें जिहाद का नारा देना पड़ा था राणा सांगा के विरुद्ध अगला देखते हैं अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था मुजफ्फर खा तुरबती किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी को भारत ने अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था था सूरत में स्थापित किया नेक्स्ट बात करते राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को लेते हुए अप्रैल उन्नीस में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था सी राजगोपालचारी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति किसके नेतृत्व में अंत तो समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ स्वदेशी आंदोलन और नरम दल और करम, गरम दल कब अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन 1907 में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1919 में घटित हुए जलियावाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाष्ट्राय कौन था लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब हुई थी तेरह अप्रैल उन्नीस गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने कब हुए थे पांच मार्च उन्नीस सांप्रदायिक और इसी समझौते के तहत उन्होंने किस आंदोलन को बंद किया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन को और द्वितीय आपकी <coughs> गोल में सम्मेलन में भाग लिया था सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें हुई थी 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बाबा बाबा राम साहब के सा के मध्य क्रमशः और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्रिटिश भारत मंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था वेस्टर्न चर्चिल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार छह वर्षो तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद उन्नीस से छियालीस तक भारत छोड़ो आंदोलन किस

Now, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिमाणों परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल भारतीय स्थल पंडित सरका है उत्तर को भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ चंबल घाटी के खो खडों का निर्माण अवनलिका पर्दन गलीरुजन कहते हैं राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौबहन संस्थान अवस्थित है कहाँ पटना में ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को कहा जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जब अर् अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या कहलाता है 90 डिग्री बनता है पर्यावरण जैव विविधता की अगर बात करते हैं तो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान यानी एनसी टू के अंतर्गत जीव मंडल आरक्षित राष्ट्रीय पार्क वन्य प्राणी अभ्यारण्य है एक्ससी टू के अंतर्गत की अगर बात करें तो जिन वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है उसके दर वनस्पति उद्यान आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव कौन करता है एनसी टू संरक्षण द्वारा कौन सी ड्रग गिद्धों की समाविष्ट में के लिए है डिक्लोफिनेक सोडियम रामसर सम्मेलन किसके लिए आर्द्र के लिए ईरान में किया गया था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रो आच्छादित राज्य संघीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल गुजरात अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश इनता नकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम उन्नीस में शुरू किया गया था वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्थित होती है पहले डीएम से नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लॉट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को लेते हुए मद, प्राप्त किया जाता है हिमतत्व से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है पचास से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिशमय यानी यूएनएफ ट्रिपल सी प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रावधान करता विश्व एंड विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश है भूटान जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 ईसवी और 2100 ईसवी के बीच कितने तापमान वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है 14 से 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड का वैसे तो 4 से 5.8 होना चाहिए ठीक है जलवायु परिवर्तन पर संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कॉप ट्वेंटी फोर सम्मान हुआ था दिसंबर दो हजार अठारह में पोलैंड के कार्टोवेस में नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य वाणिज्य व्यापार पर सरकार का स्वामित्व दो हजार उन्नीस के दौरान केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में रेलवे के लिए आवंटित राशि चौसठ करोड़ गुरु शिष्य परंपरा परियोजना हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई थी हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्लूज इकोनॉमी से तात्पर होता है जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था जिसे अपन कहते हैं भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्पीति के आंकड़े प्रतिमाएं जारी किए जाते हैं सीएसओ द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन मंत्रालय पहचान प्रणाली वर्चुअल आईडी का प्रयोग किसकी पहचान पुष्टि पुष्टिकरण हेतु किया जा रहा है आधार कार्ड धारकों हेतु भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा कोलकाता में भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं है सिक्किम और गोवा में नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य विज्ञान से लेके छह फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में छोड़िए इसको चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वर्ग से कम होता है बत्ती अबाले स्टोव में पृष्ठ तनाव के कारण बत्ती के ऊपर जो केरोसिन चढ़ता है टेकियान से तात्पर्य प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा बाष्पो और आर्गन बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट और गर्म रुद्र वाले जंतु भी होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम हमेशा सा एक साथ बनाए रखते हैं किसी प्राणी के जीव जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है कैचुआ प्रकाश संश्लेषण का कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्मा चूमना किस हार्मोस के मोशन को प्रेरित करता है आक्सी टोशीन को कंप्यूटर की अगर बात करें तो मोडेम किसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉडुलेटर डिमोडलेटर एनालॉग को डिजिटल में डिजिटल को एनालॉग में एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जो डाटा एंट्री करते हैं सेलो में और एक, एक सॉफ्टवेयर है सीपी <स्थाँ> यू एक मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दो दिसंबर को मनाते हैं आईसी चिप द्वारा निर्मित आईबीएम सिस्टम तेरह सौ बीस प्रति डिजिटल कंप्यूटर है विद्या विद्यावाहिनी योजना कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है एफ का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्काई ड्राइव क्या माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा है सिम का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल खेलकूद की बात करते हैं जिम्नास्ट में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं परेशानी नवीनता शालीनता और अश्वस्त गति के कारण जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है जिसमें हर खिलाड़ी को दस तरह के खेलों में भाग लेना होता है राष्ट्रीय मैराथन दौड़ सर्वप्रथम उन्नीस में कोलकाता में हुई थी जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंकों को कहते हैं इपोन रग्बी यूनियन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी में पंद्रह यानी फुटबॉल में कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है बारदुलाई जो ट्रॉफी होती है वो भी फुटबॉल से संबंधित है अठारह में ओ प्रथम बिबर्लन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता कौन था स्पेंसर गोरे नेक्स्ट बात करते हैं विविध को लेते हुए 2019 के लिए यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी सारजहा को घोषित किया था 1857 के विद्रोह के समय में किसे डका शाह के नाम से जाना जाता मौलवी अहमदुल्लाह शाह अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिंबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय योकोहामा में कहाँ का प्रमुख आदिवासी समूह है अंडमान निकोबार का इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में चटकोरा मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है गुर्जर प्रतिहा शासकों में किसकी उपाधि आदि बराती भोज की छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है तीज रखती हैं तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट थ्री सार संग्रह का जिसके तहत मैंने एक एक सब्जेक्ट के कुछ फैक्ट लिए हैं उसको कवर कराया है इसी तरह वीडियो को आगे कवर कराया जाएगा तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और मध्य प्रदेश को लगभग कंप्लीट करा दिया गया है टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ के लिए और टारगेट बैच जो भी कवर कराया जा रहे हैं इसके लिए आप मुझसे जानकारी लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे